कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी घर पे पड़े पुराने बेकार फटे पुराने शर्ट का एक गजब का इस्तेमाल, जिसको देखने के बाद आप भी हो जाओगे हैरान। देखिए, हर किसी के घर में शर्ट होता ही है, जेंट्स लोग शर्ट पहनते ही हैं, तो पहनते पहनते होता है कि पुराना हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर कलर लग जाता है या फिर फट जाता है तो वो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, ये कलर लग गया है और ये छूट नहीं रहा है दाग, तो इसको रिजेक्ट हो गया ये शर्ट। इसी तरह का रिजेक्ट शर्ट का मैं गजब का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो इस रिजेक्टेड शर्ट का क्या है इस्तेमाल है, इसके लिए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेना है शर्ट, और शर्ट को सबसे पहले ना इसका बटन को बंद करना है, सारे बटन को बंद कर लेना है। देखिए, मैं पहले से और बटन बंद करके रखी थी, दो तीन खुला था, तो उसको भी बंद कर लेती हूँ। और बंद करने के बाद ना इसको अच्छे से इस तरह से फैला लेना है। और फैलाने के बाद ना इस पे मार्किंग करना है, तो कोई भी पेन या फिर कोई भी आपके पास मार्कर हो उससे भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मार्क करना है हमें ना, इस तरह से कट करना है इसको। तो दोनों साइड ना एक ही जैसा मार्किंग करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लिया, इधर भी मैं कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लिया मैंने, अब इसको कट कर लेंगे। अब हमें काटना है, तो ये लाइनिंग ना मैच नहीं कर रहा था इसके जैसा, तो मैंने थोड़ा सा और आगे इसको वो किया है, मैचिंग के लिए मार्क कर दिया है। अब मैं ना कैंची की मदद से इसको काट लूंगी। देखिए, इस तरह से। अब देखिए, एक साइड मैंने कट कर लिया है, इसी तरह से दूसरे साइड भी घुमा के इसको कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे भी। देखिए, इस तरह से इस साइड भी कट कर लेंगे, जहाँ जहाँ मार्क किए हैं वैसे ही कट करना है। तो देखिए, हमने इसको कट कर लिया है और दोनों साइड कट हो गया है, और देख सकते हैं इस तरह से है। अब हमें क्या करना है ना, साइड से कट करना है। तो साइड से कैसे कट करना है, ये जो यहाँ डबल सिलाई दिया रहता है ना साइड में, उसको अंदर रखना है और हमें साइड से कट करना है। तो देखिए, इस तरह से कट करना है हमें। इस तरह से करने के बाद साइड से हमें इस तरह से कट करना है, दोनों साइड हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए, हमने इस साइड भी कट कर दिया है और दूसरे साइड भी इस तरह से कट कर दिया, तो ये दोनों अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, पीछे जो जो हमारा ये साइड है, यहाँ पे भी कट करना है, तो इसको कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ से हम कट करेंगे, तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। इस तरह से कट करके इसको निकाल लेना है। देखिए, हमें ये पार्ट का यूज है, इसको हम लोग हटा देंगे साइड में। तो देखिए, ये पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हमने ना क्या किया है, जो पीछे वाला पार्ट था ना, उधर से हमने दो पट्टी काट लिया है, इस तरह से। देखिए, इस तरह से पट्टी काट लिया है हमने, और ये दोनों पट्टी को ना हमें ज्वाइंट करना है, ये इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। तो इसको सुई धागा की मदद से हम ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरह से पीछे रख के इसको, उसके बाद ज्वाइंट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको टाइटली सिलाई करना है ताकि ये मजबूत हो जाए। तो देखिए, दोनों साइड मैंने सिल दिया है, और देखिए बहुत प्यारा सा एक एप्रोन बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। अब इसको कैसे यूज करना है, तो सिंपल से आप इसको दो बटन खोलिए और अपने गले में इस तरह से पहनिए, और जो ये बांधा है धागा बनाया हमने नारा, उसको इस तरह से लगा लीजिए, और यहाँ का बटन लगा लीजिए। अब किचन में जितना भी काम करना है बहुत आसानी से आप काम करिए। जो बेकार पड़ा था हमारा शर्ट, जो फेंकने वाले थे शर्ट, उसका इस्तेमाल भी हो गया, और फ्री में ऐसे हम लोग खरीदने जाते हैं तो बहुत पैसा लगता है ये, और घर में पड़े बेकार शर्ट का यूज भी हो गया, और इतना अच्छा सा एप्रन भी बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।